जय बोल बम बोल बम बोल बम। जिनके रोम रोम में शिव है वही विष पिया करते हैं, जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा हरियाणा से और आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं चार 20 न्यूज़ के माध्यम से। दिखा देती हूँ, देश भर में बहुत ज़्यादा धूमधाम नज़र आ रही है, चारों तरफ केवल कावड़ ही कावड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि सारे यात्री जो कावड़ को लेकर निकले थे अपने अपने शहर से, आज वापस अपने अपने शहर में पहुँच चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि सबके कांवड़ आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, कि कांवड़ के साथ आज यहां पर जितने भी श्रद्धालु थे और कहा जाए जितने भी भक्त थे, सारे भक्त वापस अपने शहर में पहुंच चुके हैं और अभी आने वाली है महाशिवरात्रि। यहां पर देखिए, यहां पे आपको भोलेनाथ जी भी दिखेंगे। आप क्या है? नमस्कार, कितना समय लगा आपको यहाँ तक पहुँचने? 5वां दिन हो गया जी हरिद्वार से। 5वां दिन कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या अगर मैं बात करूं सरकार की तरफ से भी किसी तरह की सुविधाएं दी गई थी? बहुत अच्छा सुविधा कर रखी जी। बहुत अच्छी। हाँ, योगी के एरिया में बहुत अच्छा है, यहाँ के भी ठीक है। जो भक्त हैं वो तो गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार गए, आप तो पूरी मूर्ति ही उठा कर ले आए। क्या करें जी, भगवान ने चाहा तो हम आगे उससे भी बड़ी लेके आएंगे। भगवान के बड़े ही भक्त हैं। एक बात बताइए, क्या लगता है जो मनोकामनाएं भगवान से मानी जाती है वो पूरी हो सकेगी? पूरी होती है जी। 17 साल हो गए मैं जा रहा हूँ जी। 17 साल? 17 साल हो गए। 6 मेरी पैदल है, 8वीं 9वीं कावट ये अभी है साइकिल पे। कि इनके पैरों में देखिए घुंघरू आपको नजर आएंगे, क्या ये घुंघरू किसी चीज का प्रतीक है? ये चलते हुए ना जोश बना रहता है, आवाज आती रहती है ना पैरों से जब चलते हैं। अपने शौक के लिए पहना गया है? ऐसे पहने जाते हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि कोई पहनना जरूरी इसको, वो तो अपने मन की मर्जी है, पहनना है पहनो वरना ना पहनो। काफी लोगों को इंजरी भी हुई है और अगर मैं बात कर लूँ कुछ कावड़ ऐसे भी थे जो यहाँ से निकले तो सही, अपने घर तक नहीं पहुँच पाए। दुख है उन कावड़ियों को लेकर, सभी ने अपना अपना दुख जताया, लेकिन क्या वजह रही, कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से जो है वो कावड़ी हमारे बीच में नहीं है, कौन सी ऐसी वजह रही होगी? बड़ों को देखा होगा, बुजुर्गों को देखा होगा, क्या कभी बच्चों को देखा है कावड़ पे जाते हुए? हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी मौजूद है, 15 से 17 साल की उम्र बताई जा रही है और ये भी कावड़ की यात्रा करके आए। आओ मिला देती हूँ एक बार। 8 दिन लगे हैं। हाँ। और कितनी मेहनत यहाँ पर रही? बहुत मेहनत लगी। बहुत मेहनत लगी। हाँ। क्या पूरे ग्रुप के साथ गए थे यहाँ अकेले? नहीं, हम 6 बंदे गए थे। सुविधा दी गई? सारी सुविधा थी, चाय की, पानी की, नहाने की, सब सारी सुविधाएं थी वहाँ पे, सोने की भी। नहीं, नाम बताना। लगभग कितनी उम्र होगी? 17। ये देखो, कहा था ना मैंने बच्चे बच्चे भी, मतलब लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े जा सकते हैं लेकिन हौसले जो है ना बुलंद होने चाहिए और ये इसके हौसले बुलंद थे जो आज ये जो है ना कावड़ की यात्रा करके पहुंची है। वो अलग बात है, पहली बार कैमरे पे आ रही है तो शर्म आ रही है इसे, लेकिन सच में देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जो है मैंने इस वक्त हरियाणा की दिखाई है, हिसार की दिखाई है, जहाँ पर कावड़ की यात्रा कर सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और पूरा जो है ना धूमधाम के साथ कावड़ यात्रा को मनाया गया। इसके अलावा कैसा रहा? बहुत अच्छा सफर रहा जी। बहुत अच्छा सफर रहा। सबको छोड़िए, लोग पूछते होंगे अलग अलग सवाल, मेरा तो एक ही सवाल है, रास्ते में किस तरह की सुविधाएं देखने को? रास्ते में जी बिल्कुल भी, मतलब यूपी में तो लगा लो बहुत अच्छी फैसिलिटी सुविधा वगैरह थी, योगी जी ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था, पर अपने हरियाणा में ऐसी सुविधा वगैरह देखने को नहीं मिली जी। बस वो जी अब सरकार की नाकामी कह सकते हैं इसे, क्योंकि पर यूपी में बहुत ज़्यादा प्रबंध था, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी। नहीं, ऐसा क्या प्रबंध दे दिया यूपी में कि हरियाणा में नहीं दिया गया? हरियाणा की मैम पूरी मतलब पुलिस वगैरह साथ पूरा प्रबंध था जी, हम जहाँ से भी जा रहे थे तो पूरी फैसिलिटी दे रहे थे मैम, कोई भी आगे मतलब जैसे हम हरियाणा में निकल रहे हैं कावड़ लेके जा रहे हैं, कोई भी आ रहा है, कोई भी हाथ लगा रहा है, कोई भी भिड़ रहा है, पर यूपी में ऐसा नहीं था मैम, बिल्कुल भी यूपी में ऐसा कुछ नहीं था, हर जगह फोर्स खड़ी थी, मतलब जहाँ भी लग रहा था यहाँ भीड़ भड़ाक है तो खुद पुलिस वाले मतलब बड़े बड़े पोस्ट वाले आके हाँ उन्हें रोक रहे थे, हाँ भी पहले कावड़िए जाएंगे तो तुम जाना। मतलब ये कहीं ना कहीं बात सच है कि एक स्पेशल रास्ता दिया गया आप लोगों को जाने? रास्ता दिया गया मैम, 4 लेन था, उसमें 2 लेन हमारी थी बिल्कुल, वहाँ पे किसी भी मतलब वहाँ का जो स्थानीय नागरिक है वो उसको अलाउड नहीं था ना, बस सिर्फ कावड़ी, सिर्फ कावड़ी। कुछ कावड़िए ना ऐसे भी थे जो गए तो थे कावड़ लेकर लेकिन अपने घर तक वापस नहीं पहुँच पाए। तो मैं जैसे कि
सरकार की ही वो मानता हूँ, गलती मानता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से भी, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है उनका काम होना चाहिए ना ये, मुझे लगता है ऐसा, उसका उनका काम होना चाहिए ये ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि एक्सीडेंट ही हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो मैं ट्रैफिक पुलिस की कहूँगा उनकी गलती है, और आज वो हमारे बीच नहीं है। पैरों में किसी तरह के छाले भी आए? नहीं, फिलहाल ऐसे पेन तो है वैसे तो घुटनों में, ठीक है, तो इन्होंने मतलब दर्द है, मेरे तो इतने छाले नहीं हुए हैं। हाँ, होने चाहिए थे। नहीं, होने तो कई कईयों के हुए हैं, देखो इनके छाले देखो, आप दिखाओ, दिखाइयो आपके। ओह माय गॉड, ये हालत है इनकी। भोले का भक्त तो हर कोई होता है, लेकिन साबित कैसे किया जाए? कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, या ये कहा जाए कांवड़ियों का कहना है, साबित तो हमने कर दिया कांवड़ लेकर आकर, लेकिन कैसे? मैम, अपना अपना मतलब वो होता है भगवान के प्रति, जैसे हम, हमारी इच्छा है, हम कांवड़ लेकर आते हैं भोले बाबा की, नीलकंठ जाते हैं, जैसे वहाँ जल अर्पित करके आते हैं और यहाँ भी आके जल चढ़ाते हैं, वो अपना अपना प्रेम भाव होता है मैम। कई होते हैं, हाँ भाई हम नहीं ऐसे वैसे भोले को नहीं मानते मैम, अपने अपने दिल में वो होते हैं, हाँ भाई हमें कुछ है, जो चीज़ है हमें मतलब बुला रही है अपनी तरफ, या कुछ हम भक्ति में लीन रहते हैं मैम ऐसे, नहीं तो इतना चलना। सच में मनोकामनाएं पूरी होती बहुत मैम, मांगी हैं बहुत पूरी हुई हैं मैम, सच में होती हैं, जहाँ तक हमने मतलब समझा है वहाँ तक है मैम ये चीज़। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी सृष्टि में जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर राक्षस है तो भगवान भी है, कितना हद तक सही है? बहुत हद तक सही है मैम, दोनों चीज़ है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों ही हैं। हमें बोल बम 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 करते आ रहे थे, बाकी हाँ हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो दोनों टांगे सही है, मतलब सही चल लेते हैं रास्ते में, मैम ऐसा भी देखा है एक एक टांग से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, एक टांग से हाथ में, दोनों हाथ में वो लेके, बहुत हमने मतलब काफ़ी देखे, और बच्चे बच्चे इतने इतने छोटे बच्चे देखे उनके पैरों में छाले, हम तो फिर भी भगवान से दया करते हैं, पैर भी ठीक है, हम भी ठीक है, चल भी लेते हैं हम सही तरह, पर उनको देख के मैम दिल में भी होते हैं, हाँ भाई ये आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते। हौसले बुलंद होने चाहिए, और कहीं ना कहीं हौसले ही है जो एक अपने शहर से हरिद्वार तक व्यक्ति को पहुंचाती है। कितना मुश्किल होता होगा इतने दूर का सफ़र करना, वो भी पैदल पैदल और सिर्फ पैदल, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो अलग बात है कि दवाइयां देने के लिए लोग होते हैं वहाँ पर, ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार सोचिए जो व्यक्ति इतनी दूर तक जाता है उसकी क्या हालत होती होगी। आपने बताया कि जो व्यक्ति है वो एक एक पाँव पर भी चलते हैं, क्या इसकी, जैसे कुछ लोग हैं ना अगली बार चाहेंगे कि हम कांवड़ लेकर जाएं, तो क्या ऐसा भी होता है, कोई एज लिमिट रहती है इतने साल में जाना चाहिए? नहीं मैम, कोई एज लिमिट नहीं है उनकी मैम, कई काफ़ी बुजुर्ग देखे हैं जो मतलब सही तरह चल भी नहीं पाते थे ना, जो घर पे बैठे रहते थे वो भी पैदल आ रहे हैं, मतलब बहुत काफ़ी देखे हैं ऐसे बुजुर्ग, मतलब लेडीज़ देख लो आप, लेडीज़ भी काफ़ी देखी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माएँ आंटियाँ जा रही थी अपनी मस्ती में बोल बम 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 जयकारे लगाते हुए, काफ़ी देखा है ऐसे, मतलब अब की बार यंग एज नहीं, सारी एज देखी हमने, सारी एज के व्यक्ति, मतलब अगर कोई अगली बार कांवड़ लेकर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एज है या कुछ और है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं आपकी यात्रा पूरी ख़त्म हुई है, समाप्त हुई है, और कल महाशिवरात्रि है, आज यहाँ पर कैसा प्रबंध आप लोगों के लिए मिला? बहुत अच्छा प्रबंध है मैम, प्रबंध की तो कोई मतलब वो है नहीं, हर जगह जा भी आते हैं, अच्छी सेवा है, अच्छे भोले बाबा के भक्त हैं, खुद ही मतलब हाँ भाई ठीक है, जो है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। क्या किसी तरह का कोई नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है? हाँ, डीजे वगैरह बजते रहते हैं, भोले बाबा की मस्ती में नाचते रहते हैं, बस अब जैसे यहाँ पे करेंगे थोड़ा डांस वगैरह, फिर अपने घर जवाहर नगर जाएंगे, वहाँ पे और भोले भक्त हैं, उन्होंने प्रोग्राम कर रखा होगा, मतलब अभी कोई समय विधि नहीं है, भगवान की इच्छा के अनुसार जितने बजे तक हम नाच सके उतने बजे तक हम नाच। हाँ, आज का दिन तो है ही भोले बाबा की भक्ति में, बाकी कल सुबह जल अर्पण करेंगे फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। बाकी जी शुक्रिया, तो ये हमारे साथ कुछ कांवड़ियाँ थी, और हम जिनसे हम लोगों ने इस वक्त बातचीत की, और काफ़ी अच्छे इंस्पायर हुए होंगे काफ़ी लोग जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे थे, समझ आई होगी उन्हें ये चीज़ें, देखो एक बार तालियां बजाए थे। बोल नीलकंठ महादेव की जय, बोल बम बोल बम जयकारा वीर बजरंगे। तो ये तस्वीरें हैं सीधा लाइव HR 20 न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, हिसार की तस्वीरें हैं, और मैं आशा करती हूँ जिस जिसने ये वीडियो देखी होगी सब जो है प्रेरित हुए होंगे इन व्यक्तियों से, कि इतने दूर का सफ़र तय करना कितना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैं HR 20 न्यूज़ के साथ लाइव तस्वीरें मिलती रहेगी।